और इवन, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने द एंसेंट बिहार कवर कर लिया था आज हम लोग देखेंगे द राइज एंड स्प्रेड ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन बिहार मींस कैसे जैनिज्म और बुद्धिज़्म का जो है कैसे बिहार में कैसे वो स्प्रेड हुए कैसे फैले तो देखेंगे तो सिक्स सेंचुरी बी के आसपास करीब करीब सिक्सटी टू रिलीजियस सेक्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं जो कि मिड गैंजेटिक प्लेन का जो इलाका है जो मध्य जो भी पटना मगध जो ये भी पाटलिपुत्र वगैरह का जो इलाका है तो इसमें हमें कई जो है रिलीजियस सेक्ट्स देखने को मिलते हैं जैसे महावीर पुराण कश्यप्पा घोसला अजीत के और कुद्दू संजय बिदल थी और उसके अलावा जो है गौतम बुद्ध तो इसमें से जो भी सबसे ज़्यादा फला फूला वो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट था वही सबसे ज़्यादा जो है एक तरह से इमर्ज होकर बाहर आया तो पहले देखते हैं जैनिज्म के बारे में द ओरिजिन ऑफ जैनिज्म इज वेरी ओल्ड द रिग वेदिक हाइमन्स मैंसन ऋषभ एंड नेमी टू ऑफ द जैन नंतक तो देखिए ऋग में हमें जो ऋग्वेद में जो पंक्तियाँ दी हुई हैं उसमें हमें ऋषभ और अरिशनेमी का उल्लेख मिलता है जो कि जैन तिरंतकर्ष थे अब एक बात करते हैं ऋषभनाथ की तो ऋषभनाथ को हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं ये पहले तिरंतकृत थे ठीक है तो जैनिज्म में जो पहले तिरंतकर् थे वो थे ऋषभनाथ जिनको हम आदिनाथ भी बोलते हैं देर वर ट्वेंटी फोर तिरंतकर्ष इन और जैन धर्म में कुल मिला के चौबीस तिरंतकर्थ थे द फर्स्ट ट्वेंटी टू आर द फर्स्ट ट्वेंटी टू आर अनोन टू हिस्ट्री ठीक है तो जो ये बाकी के बाईस लोग हैं इनके बारे में नहीं पता है जो तेईसवें करते हैं उनका नाम था पार्श्वनाथ ठीक है तो हु लिव टू टू फिफ्टी ईयर्स बिफोर महावीरा और महावीरा के आने मीन्स महावीरा से ढाई सौ साल पहले जो थे वो पार्श्वनाथ थे ही वॉज सन ऑफ किंग अश्वसेन ऑफ बनारस तो ये बनारस के राजा थे उस टाइम अश्वसेन तो इन्हीं के पुत्र थे पार्श्वनाथ जो कि तेईसवें तिरंतकर् थे जैनिज्म के ठीक है जैन धर्म के इस फोर मेन टीचिंग वर नॉन इंजरी तो इनकी चार मेन जो टीचिंग थी वो था अहिंसा सत्य असत्य और अपगृह ठीक है तो महावीर अडॉप्टेड ऑल दिस फोर टीचिंग तो महावीर ने इनकी चार टीचिंग को अडॉप्ट किया और एक और जोड़ा जो कि था ब्रह्मचर्य ठीक है तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि चौथी टीचिंग जो जोड़ी जो गई महावीर के द्वारा वो क्या थी तो वो थी ब्रह्मचर्य थी ठीक है तो ये बाकी की जो चार टीचिंग थी वो पार्श्वनाथ की थी ठीक है जो कि तेईसवें तिरंदेकर करते उन्होंने अहिंसा सत्य और असत्य और अपग्रह जोड़ा था बताया था ठीक है तो उसी को महावीर ने भी फॉलो किया और एक टीचिंग और जोड़ ली ब्रह्मचर्य अब बात करें महावीर जी की तो वर्धमान महावीर अकुपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियट इंडिया ठीक है इनका इनका महावीर का जो वर्धमान महावीर है उनका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है एनशियट हिस्ट्री में और इनका जन्म जो है पाँच सौ बीसी में हुआ था कुंडग्राम में जो कि वैशाली में पड़ता है तो वर्धमान महावीर का जन्म हुआ कुंडग्राम में जो कि वैशाली में है इनके पाता इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ ठीक है इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और ये एक क्षत्रिय प्रिंस थे ऑफ कश्यपा गोत्र तो इनका जो गोत्र था वो कश्यप था कश्यप गोत्र के थे और ये क्षत्रिय थे एंड वॉज द हेड ऑफ जंत्रिका क्लैन और ये बिलोंग करते थे पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया है कि ये जंत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे ये जंत्रिका वंश के थे और जंत्रिका जो थी वो लिच्छवी की थी ठीक है जो कि कुंडग्राम ठीक है तो लिच्छवी कुंडग्राम जो है वो लिच्छवी में ही पड़ता है हिज मदर त्रिशला और इनकी माता का नाम महावीर जी जो थे वर्धमान महावीर की माता का नाम त्रिशला था ऑल्सो नोन एज प्रिया करनी या विदेह दत्त ठीक है तो त्रिशला जो है महावीर जी की माता का नाम था वो द डॉटर ऑफ किंग चेतक ऑफ वैशाली तो इनकी जो माता जी थी वो वैशाली के राजा जो चेतक थे इनकी पुत्री थी महावीर वॉज मैरिड टू यशोदा देखिए महावीर का विवाह हुआ यशोदा के साथ जो कि सिम्मा वर्मन की पुत्री थी सिम्मा वर्मन जो थे वो कौंडियापुर के राजा थे ठीक है तो सिम्मा वर्मन की पुत्री थी यशोदा उन्हीं का जो विवाह है महावीर से होता है सिम्हा वर्मन राजा कहाँ के हैं तो वो कौंडियापुर कौंडियापुर के राजा हैं ये डॉटर नेम्ड अनोजा हु वॉज मैरिड टू जमाली तो इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है अनोजा जिस जिसका विवाह जो है जमाली से होता है महावीर रिनाउंस हिज फैमिली एट द एज ऑफ थर्टी ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ़ इज पेरेंट्स ठीक है तो क्या होता है कि जब इनके माता पिता की महावीर जी के माता पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो तीस साल की उम्र में के ये जो है घर त्याग कर देते हैं और ये एक साधु बन जाते हैं और सत्य की खोज में घर से निकल पड़ते हैं अब देखिए इनको कैवेले यानी परफेक्ट नॉलेज की प्राप्ति होती है तो कैवेले की इनको प्राप्ति होती है अंडर सॉल ट्री एक सॉल साल ट्री के साल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये जिस नदी के किनारे बैठे होते हैं उसका नाम रहता है रिजुपालिका जो कि जिम्बिका ग्राम में है ठीक है तो ये बयालीस साल की उम्र में महावीर को नॉलेज प्राप्त होता है परफेक्ट नॉलेज जो है वो गेन करते हैं साल जो वृक्ष है उसके नीचे और ऋजूपालिका नदी के किनारे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही वॉज कॉल्ड जिन और जितेंद्र ठीक है तो इनको जिन या जितेंद्र नाम से बुलाया जाने लगता है जिसने अपने सेंसेस पे काबू कर लिया हो तो जितेंद्र का मतलब ये होता है जिसने अपने इंद्रियों पे यानी अपने सेंसेस पे काबू कर लिया हो अब बात करते हैं नीरग्रंथ फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्स तो किसी भी जो मोह माया से वो मुक्त हो चुके हैं तो उसको बोलते हैं नीरग्रंथ उसके अलावा है कैवेल सुप्रीम ऑमनिस अरहंत ब्लेस्ड वन एंड महावीर द ब्रेव ठीक है तो महावीर का मतलब होता है ब्रेव द बहादुर महावीर प्रीस्ट फॉर थर्टी ईयर्स एंड डाइड एट द एज ऑफ सेवेंटी टू ईयर्स ठीक है तो तीस साल तक जो ये ज्ञान की मीन्स खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं और इनकी जो मृत्यु है सॉरी मीन्स तीस साल जो ये अपनी टीचिंग को ये प्रीच करते हैं बढ़ाते हैं आगे के तीस साल तक और इनकी बहत्तर साल में जो है महावीर की मृत्यु हो जाती है ठीक है तो इनकी मृत्यु होती है फोर सिक्सटी एट में पावापुरी में जो कि राजगिरी में स्थित है तो महावीर की मृत्यु होती है फोर सिक्सटी एट में पावापुरी में जो कि स्थित है राजगिरी में बात करते हैं जैन फिलासफी के बारे में तो महावीर डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन तो देखिए अपना जो पहला उपदेश है ये देते हैं माउंट विपुल विपुल चला पे तो माउंट विपुल चला पे महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया ठीक है तो ही हैड इलेवन गांधास तो इनके जो थे इलेवन इंटरप्रटर्स थे ठीक है इंद्रभूति गौतम आर्यक्त भवभूति आरंक्यता सुधर्मा मंडिका मौर्यपुत्र अकामी अचलभत्र और मिदर्या एंड प्रभा ऑल दिस गांधार्स वर inhabitants ऑफ डिफरेंट places ऑफ़ बिहार तो ये जो लोग गांधार्स थे ये अब बिहार में अलग अलग जगह के रहने वाले लोग थे महावीर विजिटेड वेरियस प्लेसेज इन बिहार और महावीर ने जो है बिहार में कई जगह महावीर भ्रमण किए और उसके जैसे कि देख लेते हैं नाम क्या है चंपा नालंदा वैशाली पावापुरी गया ठीक है तो राजगिर जो था वॉज द सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी जो मेन सेंटर था वो था, था राजगिर महावीर डिलीवर्ड इज सर्मन इन अर्धमगही और जो अपना ये उपदेश देते थे महावीर वो अर्धमगही भाषा में देते थे महावीर हैड क्लोज़ रिलेशन विद बिम्बिसार देखिए हमें बिम्बिसार के साथ भी इनके महावीर के जो है क्लोज़ uh, रिलेशन देखने को मिलते हैं द किंग ऑफ मगध तो बिम्बिसार जो रहता है वो मगध का राजा रहता है दादी वाह द किंग ऑफ चंपा एंड सात्विका द किंग ऑफ कौशाम्बी तो दादी वाह जो चंपा का राजा रहता है और सात्विका जो कौशाम्बी का ठीक है विच ऑफ दिस न्यू रिलीजन तो ये जो एक तरह से समझ सकते हैं कि बिंबिसार और दाहन और सात्विक तो ये सब जो रहते हैं वो महावीर के शिष्य रहते हैं तो ये भी लोग हेल्प करते हैं इनके फिलॉसफी को और आगे बढ़ाने में बात करते हैं महावीर के टीचिंग की तो महाव्रत के बारे के ठीक है महाव महावीर जी जो हैं वो महाव्रत के बारे में बताते हैं मींस फाइव वोज ऑफ जैनिज्म तो देखते हैं अहिंसा मींस नॉन वायलेंस सत्य हो गया आपका ट्रुथ अस्टेय हो गया नॉन स्टीलिंग अपग्री हो गया नॉन पोजिशन और फिफ्थ है हमारा ब्रह्मचर्य यानी चेष्टि जो भी साधु मीन्स ब्रह्मचर्य अपना लेंगे विवाह वगैरह जो नहीं करेंगे उसके अलावा जो लास्ट प्रिंसिपल देखेंगे क्योंकि वो ऐड किया गया था महावीर के द्वारा ही बाकी के जो चार हैं वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे ठीक है जो कि तेईसवें तिरंत करते थे द फाइव प्रिंसिपल्स और वोज वेन ऑब्जर्व बाई अ मॉन्क स्ट्रिक्टली और कार्ल महाव्रत तो यही पांच प्रिंसिपल्स हैं जब किसी मॉन्क के द्वारा ये स्ट्रिक्ट फॉलो किए जाते हैं तो इन्हीं को हम महाव्रत कहते हैं एंड वेन ऑब्जर्व बाई ए कॉमन फॉलोअर इन ए लेसल रेग्रेस मैनर अकॉल्ड अनुव्रत तो अगर मान लीजिए कि अगर एक कॉमन फॉलोअर के द्वारा ये चीज़ किया जा रहा है मान लीजिए वो कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको अनुव्रत बोलेंगे और जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा होगा इन सभी नियमों को उसको महाव्रत बोलेंगे महाव्रत जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हो और अनुव्रत जो स्ट्रिक्टली फॉलो ना कर रहा हो अब देखते हैं त्रिरत्न की थ्री जेम्स की बात करते हैं अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म इज द रियलाइजेशन ऑफ निर्वाण या मोक्ष तो जो अल्टीमेट गोल है जैनिज्म धर्म का वो है निर्वाण या जिसको हम मोक्ष बोलते हैं विच कैन बी अटेन बाई द फॉलोइंग तीन रत्न तो इन्हीं तीनों रत्नों की वजह से जो है हम मोक्ष हम या निर्वाण को प्राप्ति कर सकते हैं तो एक है सम्यक ज्ञान सम्यक विश्वास और सम्यक कर्म राइट नॉलेज राइट फेथ और राइट right कंडक्ट या राइट right एक्शन ठीक है तो इसके द्वारा जो है जैन धर्म का ये मानना है कि अगर इनको हम फॉलो करेंगे तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं अब बात करते हैं थियरी ऑफ शायद वदा की तो इन जैनिज्म रियालिटीज करेक्टराइज बाई अनेक अनेकतावा और प्लैरिटी ऑल आवर जजमेंट्स आर नेसेसरी रिलेटिव देर इज़ नो सर्टनिटी इन एनी नॉलेज एंड सत्यवादा इज द वाइजेस्ट कोर्स टू अडॉप्ट तो कहने का यह मतलब कि आपको हमेशा जो है सत्य के रास्ते पर ही चलना चाहिए वही सबसे वाइजेस्ट तरीका है कि आप उसी को अडॉप्ट करें सत्य को हमेशा टू एवरी क्वेश्चन द करेक्ट रिप्लाई इज शायद पर हैप्स मीन्स मे बी देर कैन बी नो एब्सोलूट जजमेंट ऑन एनी इशू और आप किसी भी इशू पे जो है कोई एक एब्सोलूट फैसला नहीं दे सकते ठीक है आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कोई चीज़ बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है तो वहाँ पे ये मे बी का जो प्रिंसिपल थियरी है वो आती है जैन बिलीव इन ज्यूलिस्टिक फिलोसफी ऑफ जिन इटर्नल सोल एंड अजीव इटर्नल एलिमेंट एवरीवेयर तो देखिए जैन दो फिलोसफी बिलीव करते हैं मेनली एक है इटर्नल सोल ठीक है मीन्स इटर्नल सोल जो हमारी अंतरात्मा है उसके बारे में एक इटर्नल अजीवा के बारे में अजीवा बोलते हैं इटर्नल एलिमेंट को ठीक है तो ये हर जगह प्रेजेंट है द जिन एक्ट्स एज द इफेक्ट दफेक्टेड बाई द एक्ट्स इट इज़ अनोइंग सेल्फ द अजीवा इज एटॉमिक एंड अनकॉन्शियस जो अजीवा है वो एटॉमिक है और अनकॉन्शियस है तो मेनली दो फिलासफी है डिवलिस्टिक फिलासफ़ी है जैन की एक इटर्नल सोल की और एक इटर्नल एलिमेंट की अब बात करते हैं जैन की कॉस्मिक साइकिल्स की तो इच कॉस्मिक साइकिल इज डिवाइड टू टू हाफ्स द असेंडिंग जिसको हम उत्सरपिनी कहते हैं और डिसेंडिंग जिसको हम अवसर पीने कहते हैं एट प्रेजेंट वी आर इन द फेज ऑफ डिसेंट तो इस समय जो है वो हम डिसेंट की फ़ेज़ में हैं यानी हम इस समय अवसर पीने की फेज़ में हैं बात करते हैं आ, कौन कौन रॉयल पैटर्न थे जैनिज्म के कौन कौन फॉलोअर थे तो वो जैसे चेतक जो लच्छी के राजा रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अमोघ उसके अलावा खारवेल जो कलिंग के राजा रहते हैं और सम्प्रति ठीक है तो ये अशोका के ग्रैंड रहते हैं और चंद्र जो कि अवंती के राजा रहते हैं उसके अलावा रॉयल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया सचैस गंगा कदम्ब चालुक्यस तो ये लोग जो थे ये रॉयल पैट्रन रहते हैं जैनिज्म के अब बात करते हैं जैनिज्म के डिवीजन की विभाजन कैसे हुआ तो अकॉर्डिंग टू जैन लिटरेचर परिष्ठ अ सीवियर फेमाइन अकॉर्डिंग मगध 200 हंड्रेड इयर्स आफ्टर महावीर डेथ तो महावीर जी की मृत्यु होने के बाद दो साल बाद जो है एक फेमाइन आ जाता है ठीक है मगध में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ जैन मेनली मेनी जैन माइग्रेटेड टू श्रवण बेल गोला कर्नाटका तो अपने आप को बचाने के लिए जो ये जो जैन लोग रहते हैं वो श्रवण बेल गोला जो है वहाँ मूव कर जाते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबू तो भद्रबाहू की लीडरशिप में लोग जो है श्रवण बेल गोला कर्नाटका में चले जाते हैं ठीक है तो इनके साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी गए रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य तो वहाँ पर जो है भूख की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य की भी मृत्यु हो जाती है द रेस्ट ऑफ देम स्टेट बैक इन मगध और बाकी के जो है मगध में ही रुके रहते हैं अंडर लीडरशिप ऑफ इस्तुल बहू तो इस्तुल बहू की लीडरशिप में लोग मगध में ही रुके रहते हैं और कुछ लोग जो है पैमाई होने के बाद श्रवण बैल गोला चले जाते हैं बदब्रहू के लीडरशिप में द इमिग्रेंट्स जैन स्प्रेड जैनिज्म इन साउथ इंडिया और जो यहाँ से जाते हैं वो साउथ इंडिया में भी जैन जैनिज़्म धर्म को जैन धर्म को स्प्रेड करते हैं फैलाते हैं न्यूमरस जैन मोनिस्टिक स्टेब्लिशमेंट कॉल्ड बसादिस केम अप इन कर्नाटका एंड वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग फॉर द सपोर्ट तो उन, उन जो वहाँ के राजा उस टाइम रहते हैं साउथ के साइड में तो वो भी जो है सप, आ, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन लोगों को लैंड वगैरह ग्रांट करते हैं और वो भी जो है कहीं ना कहीं धर्म के प्रचार प्रचार में उनकी मदद करते हैं जब फेमाइन एंड होता है बारह साल बाद द इमिग्रेंट्स केम बैक टू मगध जो इमिग्रेंट्स गए रहते हैं वो मगध वापस आते हैं वेयर आर द डेवलप डिफ्रेंसेज विद द लोकल जेंट्स तो अब वहाँ पर हमें जो बारह साल वहाँ साउथ में रह के आए तो वहाँ हमें अब डिफरेंस देखने को मिलेगा दो जू रिटर्न फ्रॉम साउथ क्लेम दैट इवन ड्यूरिंग द फेमाइन दे हैड स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द रिलीजियस रूल्स तो उनके द्वारा ये कहा गया कि फेमाइन के टाइम में भी जो साउथ गए रहते हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि जब फेमाइन चल रहा था उस टाइम में भी हमने जो भी जो भी हमारे रिलीजियस रूल्स थे जो भी हमारे नियम थे हमको सबको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है अच्छे से फॉलो किया है कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया है इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस एंड टू कम्पाइल द टीचिंग ऑफ जैनिज्म काउंसिल वॉज इन पाटलिपुत्र बट द जेन जैन काटर देखिए उसके अलावा जब एक होता है कि इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए और जैन की जो जैन धर्म की जो टीचिंग है उसको कंपाइल करने के लिए एक काउंसिल का गठन किया था पाटलिपुत्र ले में लेकिन जो साउथ से आए हुए जैन रहते हैं वो बॉयकॉट कर देते हैं इसको एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिविजन और ये कहते हैं कि हम विभाजन को जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे फ्रॉम नाउ अनवर्ड्स द सदर जैन बिगेन टू बी कॉल दिगंबर्स तो जो सदर्न जैनस रहते हैं उनको दिगंबर बोला जाता है मीन्स ऐसे लोग जो वस्त्र धारण नहीं करते तो वो दिगंबर कहलाएंगे और जो मगध जैन होंगे वो श्वेतांबर हो गए मीन्स वो, वो सफ़ेद जो वस्त्र होते हैं वो धारण करते हैं तो दिगंबर वो हो गए जो नेकेट रहते हैं और श्वेतांबर वो हो गए जो व्हाइट गारमेंट्स धारण करते हैं तो अब बात करते हैं जैन काउंसिल की जो कि जैन की जो संगीतियाँ थी वो कब कब कहाँ कहाँ हुई तो देखिए हमें पहला जैन काउंसिल जो है वो 300 हंड्रेड में देखने को मिलता है उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो स्थूल बहु थे ठीक है और ये कहाँ हुआ था तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था इस टाइम पटना में जो एरिया है पाटलिपुत्र इसका रिजल्ट ये हुआ कि जैनिज्म जो है डिवाइड हो गया ठीक है दिगम्बर्स में और श्वेताबर्स में ठीक है और यहाँ पे बारह अंग का जो है वो कंपाइलेशन किया गया फिर सेकेंड जैन काउंसिल हमें पाँच सौ में देखने को मिलता है और इस समय है देवार्धि कश्मनाथ थे वो और ये जगह जहाँ हुआ था जो जहाँ द्वितीय दू, जैन काउंसिल जो मीटिंग थी पाँच में जहाँ हुई थी ये था वल्लाभी जो कि इस टाइम में गुजरात का जो एरिया है यहाँ देखते हैं क्या हुआ तो यहाँ जैन लिटरेचर वॉज गिवन अ डिफिनट शेप इन विच इट इज़ इवन फाउंड टूडे तो यहाँ जैन लिटरेचर को एक डिफिनट शेप दिया गया जो आज के टाइम में भी प्रेजेंट है जो भी आज के टाइम में प्रेजेंट थे जैन लिटरेचर वो हमें जो देखने को मिलता है वो सेकेंड जैन काउंसिल का एक रिजल्ट है आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम साउथ भद्रबहू हैिटायर्ड टू नेपाल तो जब साउथ से वापस आने के बाद जो है भद्र जो है नेपाल वापस चले जाते हैं उसके बाद स्थूल भद्र जो रहते हैं वो आज लास्ट मेंट हु न्यू ऑल फोर्टी फोर्टीन पर्वाज तो जो भी पुराने जो टेक्स्ट रहते हैं वो केवल स्थूल भद्र को ही पता रहता है इन विच द टीचिंग ऑफ महावीरा वर कलेक्टेड तो इसी में जो ये चौदह पुर्वाज रहते हैं इसी में महावीरा के जो भी शिक्षाएँ रहती हैं वो इसी में रहती हैं ही हैड लर्न दम ऑल फ्रॉम द भद्र बहू बट वॉज प्रिवेंटेड टू टीच द लास्ट फोर टू हि सक्सेसर्स देखिए जो भी सुलभद्र को जो ज्ञान मिला रहता है ये भद्र बहू से ही मिला रहता है लेकिन ये अपने जो आगे आने वाले सक्सेसर्स हैं ये उनको उसको टीच नहीं करता है पढ़ाता नहीं है इसके बारे में इन व्यू ऑफ द डेंजर ऑफ लॉस ऑफ सेक्रेड स्क्लप्चर्स उसको ये लगता है कि कहीं हमारे जो स्क्लप्चर्स हैं उन वो उनको कोई खतरा ना हो इसी को लेकर के वो डरता है स्टूलभद्र कॉल्ड अ काउंसिलर पाटलिपुत्र जब देखिए स्टूलभद्र जो है वो पाटलिपुत्र में एक काउंसिल एक मीटिंग बुलाता है इन विच दस पुर्वावर रीअरेंजिंग ट्वेल्व तो जो ये दस पुरवास थे उनको दोबारा से अरेंज किया जाता है बारह अंग में द प्रजेंट स्क्रप्चर ऑफ जैन इज सिंपली रीअरेंजमेंट ऑफ द फर्स्ट इलेवन अंगज तो जो इस समय हमें जैनेशन देखने को मिलता है वो ग्यारह जो ये अंग थे उनका एक रीअरेंजमेंट दोबारा उनको रीअरेंज किया गया है ठीक है तो ये वल्लाभी में किया गया था द ट्वेल्थ अंग हैविन ऑलरेडी बिन लॉस्ड बाई दैट टाइम और जो बारहवा जो अंग था वो खो गया तो केवल जो ग्यारह अंग थे उसी के हेल्प से इस समय का जो जो जैन का जो टेक्स्ट है वो रीअरेंज किया गया है अब बात करते हैं कि हिस्ट्री में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा जैनिज़्म का तो देखते हैं जैन जो जैन के लिटरेचर थे तो जो श्वेतांबर थे और जो दिगाम्बर थे वो इनकी एक सेक्रेट बुक थी अगम सिद्धांत ठीक है तो आगम सिद्धांत जो है वो इनकी सेक्रेट बुक थी श्वेतांबर और दिगाम्बर की द सेक्रेट लिटरेचर ऑफ श्वेतांबर इज रिटर्न इन ए फॉर्म ऑफ प्रकृत ठीक है तो जो ये श्वेतांबर का जो लिटरेचर है वो प्रकृत में देखने को मिलता है कॉल्ड अर्श या अर्ध इसको अर्ध या अर्श बोलते हैं ठीक है तो ये लिखा गया है अर्ध मगही में एंड इट क्लासीफाइड एज फॉलोज तो देखेंगे तो जो श्वेताबर के जो लिटरेचर हैं वो प्रकृति में हमें देखने को मिलते हैं और अर्धमकई में बोलते हैं उसको अर्थ भी बोलते हैं और जैसे इसमें बारह अंग हैं बारह उपंग हैं दस प्राकृत्स हैं और छः छे, छेद सूत्र हैं चार मल मलसूत्र हैं और चार जो हैं कुछ मिसलिनियस टेक्स वगैरह हैं तो ये हैं जैनिकी लिटरेचर अब देखते हैं कल्प सूत्र विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ फोर्थ से व रिटर्न बाई भद्र बहू तो जो कल्प सूत्र है वो लिखा गया है भद्रबाहू के द्वारा और अंतरकथा अंतरकथा जो है वो समग्र बाई राजशेखर तो ये राजशेखर के द्वारा लिखा गया है अंतरकथा उसके अलावा कथा करना जो लिखा गया है वो लिखा गया है हेम विजया के द्वारा और कथा कोश एंड पंचस्थी और प्रभो संबंध ये लिखा गया है सुब शिलांगी के द्वारा अब देखते हैं बुद्धिज़्म के बारे में 563 से 483 एटी तो गौतम बुद्ध या जिनको हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं जो कि बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं इनका जन्म जो है पाँच सौ में हुआ था लुम्बिनी में ठीक है तो लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है और ये जो थे वो शाक्य क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे कपिल वस्तु के तो कपिल वस्तु का जो एरिया है वो पिपरवा में है मतलब जो यूपी में जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तो वहाँ के पिपरवा में कि कपिल वस्तु इलाका पड़ता है तो वहीं के जो शाख जो क्षत्रिय थे उसी वंश से जो बुद्ध हैं वो बिलोंग करते हैं इनके पिता का नाम सुदोधन था इनकी माता का नाम माया था हु वॉज अ प्रिंस ऑफ नेबरिंग क्लैन ऑफ़ कोलियास तो इनकी जो माता माया थी वो कोलियास की जो है राजकुमारी थी डाइट सेवन डेज आफ्टर गिविंग बर्थ टू सिद्धार्थ तो so, uh, इनकी मीन्स जन्म होने के सात दिन बाद ही नहीं सिद्धार्थ के माता की मृत्यु हो जाती है जो माया रहती हैं इनकी मृत्यु हो जाती है uh, गौतम बुद्ध के जन्म के सात दिन के बाद और ही वॉज ब्रॉट अप बाई स्टेप मदर प्रजापति गौतमी तो इनका जो पालन पोषण का काम है वो प्रजापति भी गौतमी के द्वारा किया गया था जो इनकी स्टेप मदर थी ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ सिक्सटीन इयर्स सोलह साल में जो है गौतम बुद्ध का विवाह हो जाता है इस उधरा से और इनके पुत्र का नाम है राहुल गौतम वॉन्टेड टू लीव द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रुथ अबाउट संसार संसार के बारे में जानने के लिए ये जो है इस सत्य के एक तरह से सत्य की खोज में जो है ये निकलना चाहते थे कि वो स्टेकिन अबैक बाई द साइट ऑफ एन ओल्ड मैन डिजीज मैन एंड डेड मैन तो जब ये एक बूढ़े व्यक्ति को वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं और एक मृत आदमी को देखते हैं ठीक है तो उसी के बाद से इनके जो मन में है वो परिवर्तन शुरू हो जाता है ही रिसीव्ड अ सीवियर शॉक एंड न्यू नो पीस ऑफ माइंड तो इनको बहुत एक चीज़ को देखे बहुत शॉक देखने को मिलता है द साइट ऑफ एस्थेटिक मीन्स जो एक साधु को जब देखते हैं तो हेल्प एम टू मेकअप हिज माइंड टू लीव द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ द पीस एंड एनलाइटमेंट तो जब साधु को देखने के बाद जो है इन सब चीज़ों को जैसे एक वृद्ध व्यक्ति की कंडीशन देखते हैं फिर एक डिजीज मैन की कंडीशन देखते हैं फिर एक मृत आदमी को देखते हैं तो इन सब कंडीशन को देख के वो घबरा जाते हैं फिर जब वो एक साधु को देखते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि अब शांति पाने के लिए और मीन्स ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है एक तरह से इस दुनिया को एक तरह से लीव करना पड़ेगा छोड़ जाना पड़ेगा हमें उसके बाद वो अपने वाइफ अपने बच्चे को जो है वो छोड़ देते हैं एंड लिव द सिटी अन नोटिस ए कम्प्लेन बाई द हॉर्स देखिए कंठ का ये कंठ का इनके घोड़े का नाम रहता है तो इसके साथ जो है ये निकल जाते हैं एंड चरियोटर च, 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 चंदका तो चंदका इनके जो रथ चलाने वाला जो आदमी रहता है उसका नाम चंदका रहता है और जो घोड़ा रहता, रहता है उसका नाम कंठका रहता है दिस इवेंट इज नोन एज महाभिनिश्मिक महाभिनिष्मिक्रम या इसको ग्रेट इंडनशियशन भी बोलते हैं महाभिनिष्मीक्रम मीन्स जो ये मीन्स गृह त्याग जो यहाँ करके जा रहे हैं वो महाभिनिषक्रम में आएगा ग्रेट इंडनशिये में आफ्टर लिविंग होम घर त्याग करने के बाद सिद्धार्थ लिव्स एज ए होमलेस एसेटिक तो ठीक है बिना जैसे साधु लोग रहते हैं बिना किसी घर के वैसे ये रहे छः साल लगातार सीकिंग इंस्ट्रक्शन अंडर टू टीचर्स अब देखिए दो गुरु के अंडर में ये शिक्षा लेते हैं पहले हैं अलारा कलाम ठीक है वैशाली के और सेकेंड है रामपुत उदक्का जो कि राजगिरी के रहते हैं तो पहले गुरु थे इनके अलारा कलाम वैशाली के रहने वाले थे और रामपुत उदक्का जो थे वो राज राजगिरी के रहने वाले थे तो ये दोनों इन दोनों से जो है सिद्धार्थ जो है वो शिक्षा लेते हैं अनेबल टू फाइंड पीस फ्रॉम एनी ऑफ दिस इंस्ट्रक्चर अब यहाँ भी जो है इनको शांति नहीं मिलती है ही रिस्टोर हिज लाइफ ऑफ एन ऑस्टेरिटी एंड एक्सट्रीम सेल्फ मोटिफिकेशन हाउ एवर ही मीयर सेल्फ मोटिफिकेशन कुड लीड सेल्वेशन उसके बाद ये क्या करते हैं जब इनको यहाँ शांति नहीं मिलती है उसके बाद फिर ये वापस जंगल में चले जाते हैं साधु की तरह जिंदगी व्यतीत करने के लिए और ये बहुत घोर तपस्या करते हैं बहुत घोर तपस्या करते हैं ही गेव अप द पाथ फॉर सेल्फ मोटिफिकेशन एंड बिगन टू टेक लिमिटेड क्वान्टिटी ऑफ फूड और जो है फूड वगैरह खाना वगैरह भी जो है लेना वो कम कर देते हैं ही वेंट टू निरंजना रिवर देखिए निरंजना नदी किनारे जाते हैं विच ज्वाइंस फागू नियर गया जो कि गया में uh, जो है फागू नदी को जो ज्वाइन कर लेती है एंड अटेंड सुप्रीम स्परिचुअल इल्यूमिनेशंस ऑन द फुल मून डे और फुल मून डे यानी वैसाख पूर्णिमा के दिन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे इसीलिए uh, उसको जो पीपल जो पेड़ है इसीलिए उसको बोध ट्री भी कहा जाता है नियर द विलेज ऑफ उर्वेला जो कि बोधगया में पड़ता है इस टाइम के तो वहाँ पे जो है निरंजा नदी के किनारे इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है फ्रॉम नाउ ऑनवर्स और इस टाइम से जो है इनको बुद्धा द इलाइटेंड वंट या तो तथागत ठीक है हु अटेंड द तथागत का मतलब होता है जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो या साक्य मुनि तो इन नामों से बुद्धा को जाने जाने लगा बुद्धा एज अटेंड इलाइटमेंट निर्वाण एट द एज ऑफ थर्टी फाइव ओनली और पैंतीस साल की उम्र में ही निर्वाण की प्राप्ति कर ली यानी ज्ञान की जो प्राप्ति है वो बुद्ध को पैंतीस साल की आयु में ही हो गई थी और उसके बाद बाकी के जो 40 साल हैं वो अपने ज्ञान को फैलाने में प्रीच करने में लोगों को पढ़ाने में तो वो अपने बाकी के 40 साल जो इस चीज़ में स्पेंड करते हैं बिताते हैं ही बिगेन हिज फर्स्ट समन नॉट एट गया वेयर ही अटेंड इलाइटमेंट बट एट सारनाथ देखिए गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी लेकिन जो अपना पहला उपदेश था उन्होंने सारनाथ में दिया सारनाथ ठीक है या ऋषि पताना ऋषि पटना बोलते हैं तो ये सारनाथ जो है वो वाराणसी में स्थित है वाराणसी एट डियर पार्क वेयर ही प्रीस्ड फाइव एसोसिएट जहाँ पे इनके इन्होंने अपने पांच शिष्यों को ये शिक्षा दी थी ठीक है तो पांच शिष्यों के से, पांच जो इनके शिष्य थे इनको इन्होंने सारनाथ में जो कि बनारस में स्थित है यूपी में इनको शिक्षा दी थी बुद्ध ने द समन वॉज कॉल्ड धर्मचक परिवर्तन तो जो उन्होंने उपदेश किया उसको हम धर्मचक परिवर्तन बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ़ लॉ ही गेव मैक्सिमम समन एज श्रावस्ती द कैपिटल ऑफ कोशला तो सबसे ज़्यादा अगर बुद्ध ने कहीं उपदेश दिया तो वो श्रावस्ती में दिया ठीक है जो कि कोशला का जो कैपिटल था और बुद्ध की जो मृत्यु है वो अस्सी वर्ष की आयु में होती है फो, फो, फोर एटी थ्री बी सी में तो चार सौ तिरासी बी सी में अस्सी साल की उम्र में जो है बुद्ध एक्सपायर कर गए अंडर सॉल्ट्री एट कुशीनगर इन यूपी तो एक साल के वृक्ष के नीचे जो है वो एक्सपायर करते हैं ऐसे साल के वृक्ष के नीचे इस महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी लेकिन यहाँ पे बुद्ध जी को जो है वो साल वृक्ष के नीचे इनकी मृत्यु हो गई कुशीनगर में जो कि यूपी में है दिस इवेंट इज़ नोन एज महापरिनिर्वाण और इसी जो बुद्ध जो एक्सपायर किए उसी इवेंट को जो हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं हिज डेथ इज सेट टू हैव कॉज मील ऑफ पॉक विच हैव गिम बाई ए डिसपल चूड़ा ए ब्लैक स्मिथ एट पावापुरी तो ये कहा जाता है कि मीन्स uh, क्या किया गया था कि इनका एक डिसिपल था जिसका नाम था चुंदा जो कि एक ब्लैक स्मिथ था पावापुरी में तो इनके द्वारा ही एक तरह से इनको शायद जहर वगैरह कुछ दे दिया गया तो उसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई बुद्धा अपॉइंटेड नो सक्सेसर टू हिम तो बुद्धा ने कोई अपना सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया एंड टोल्ड आनंद दैट द धम एंड विनय प्रीस्ड बाय हिम वुड टेक हिज प्लेस व्हेन ही वुड बी नो मोर और आनंद जो इनके शिष्य थे उसने ये कहा कि धम और जो विनय है वो मेरा स्थान ले लेगा जब मैं नहीं रहूँगा तो सुभद्र ए वॉन्डर बिकेम अरहत एंड वॉज द लास्ट डिसिपल ऑफ बुद्धा अब देखिए जो ये सुभद्र रहता है वो बुद्धा का जो आखिरी शिष्य रहता है सुभद्र नाम है बुद्धा लास्ट वर्ड दैट डिकेज इनहेरिटेंट इन ऑल कंपोनेंट थिंग एंड दे शुड वर्क आउट देयर सेलिब्रेशन विद डिलीजेंस देखिए बुद्धा का ये कहना था कि जो भी चीज़ें हैं मीन्स जो भी इस धरती पे है, वो कभी ना कभी वो चीज़ ख़त्म हो ही जाएगा इसीलिए हमें अपने सेल्वेशन अपने मोक्ष के प्राप्ति के लिए आ, काम करना चाहिए द रिल्स ऑफ बुद्धा व डिवाइड टू एट शेयर्स जो बुद्धा के रिलिक्स थे वो आठ शेयर्स में विभाजित थे इच वॉच एनरिश इन स्तूपा और सभी को जो है एक तरह से स्तूप में जो एनरिश कर दिया गया ठीक है तो जैसे मैं स्तूप में जो बुद्ध की जो अस्थियाँ हैं रिलिक्स का मतलब होता है अस्थियाँ जो बुद्ध की अस्थियाँ हैं वो हमें आठ जगहों पर देखने को मिलती हैं आठ स्तूप में हमें देखने को मिलती हैं अब देखते हैं कि क्या फीचर था बुद्धिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है द फंडामेंटल फाइंडिंग्स ऑफ बुद्धा आर नोन एज फोर नोबल ट्रुथ तो जो फोर नेबल नोबल ट्रुथ्स हैं वो दिए गए बुद्ध जी के द्वारा ठीक है द फर्स्ट नोबल ट्रुथ डील विद द मिजरी या दुख बोलते हैं और जो सेकंड नोबल ट्रुक है वो मिजरी की बात करता है ठीक है जो पहला है वो दुख है दूसरा है समुदाय और तीसरा है हमारा दुख निरोध चौथा है पथ और लीडिंग टू अ सेशन और मिजरी इसको हम मार्ग बोलते हैं तो द फर्स्ट नोबल टू डीलिंग विद द मिजरी द सेकेंड नोबल टू स्पीक द कॉज ऑफ द मिजरी कि जो भी जो भी दुख है उसका कारण क्या है क्या कॉज है उसके बाद द थर्ड नोबल टू डील विद द सेचुएशन ऑफ द मिजरी और उस दुख कारण के बाद उसका उपाय क्या है एंड द लास्ट नोबल टू डील विद द रोड लीडिंग टू द सेचुएशन ऑफ द मिजरी और क्या रास्ता है जिसके थ्रू हम उस दुख को ख़त्म कर सकते हैं उस दुख का अंत कर सकते हैं तो ये जो चार मेन नोबल ट्रुथ्स हैं ये दिए गए दिए गए थे बुद्ध जी के द्वारा और बुद्धा सटे दैट दिस मार्ग और इसको पाने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ेगा मीन्स एट फोल्ड पाथ है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा जिसमें राइट right व्यू है मीन्स सम्यक दृष्टि राइट रिजॉल्व यानी सम्यक संकल्प राइट right स्पीच यानी सम्यक वाक और राइट right कंडक्ट यानी सम्यक कर्म राइट right लाइवलीहुड यानी सम्यक जो वज है मीन्स यहाँ पे राइट लाइवलीहुड एक अच्छा जीवन जीने की बात हो रही है राइट एफर्ट सही डायरेक्शन में आपको एफर्ट करना चाहिए राइट माइंडफुलनेस सम्यक स्मृति अच्छी सोच रखनी चाहिए उसके बाद राइट कंसनट्रेशन सम्यक समधि देयर आर देर आर दास सील्स और टेन कमांडेंट्स ऑफ बुद्धा तो यहाँ पे आपको दस कमांडेंट्स देखने को मिलेंगे बुद्ध जी के मीन्स क्या क्या कहते हैं कि स्पीक द ट्रुथ डू नॉट कमिट थेफ्ट ठीक है ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य तो सत्य बोलिए चोरी मत करिए और ब्रह्मचर्य को ऑब्जर्व करिए डू नॉट कवेट एनी थिंग ऑलवेज प्रैक्टिस अहिंसा हमेशा जो है अहिंसा के रास्ते पर चलिए नेवर मेक यूज ऑफ फ्लावर्स परफ्यूम्स एंड सेंस ठीक है परफ्यूम्स सेंस या फूलों का जो है इस्तेमाल मत करिए डू नॉट इंडल्ज इन सिंगिंग एंड डांसिंग अवॉइड एसोसिएटिंग विथ वुमेन वुमेन के साथ जो है वो दूरी बनाइए और सिंगिंग डांसिंग से दूर रहिए डो नॉट टेक फूड ए फॉर विद इन टाइम एंड डो नॉट स्लीप एंड सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल बेड्स और ना ही मखमल वाले बिस्तर कम्फर्टेबल बेड पे सोइए ऑल द मॉन्ग्स विक्वायर टू फॉलो द टेन रूल्स स्ट्रिक्टली और जो भी मॉन्ग्स थे उनको ये कहा करते कि ये दस नियम जो हैं आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं बुद्ध धम्म और संघ ये जो है ये बुद्ध के त्रिरत्न में है ठीक है बुद्ध धम्म और संघ द डिस यूज टू लिव इन द मोनेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन कॉल संघ जो, जो संघ है जहाँ पे सभी जो मॉन्ग्स है वो मिलकर रहते थे तो उसी को एक संघ बोलते हैं ऑल द क्लोज ऑफ वसा रिट्रीट ड्यूरिंग द रेनी सीजन द मॉन्ग्स मेट टूगेदर टू कन्फिज देयर ऑफेंसिस कमिटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन दिस रेवनी उपोस्था तो उपोस्था जो है मीन्स यहाँ पे सारे जो मॉन्ग्स वगैरह हैं वो मिलते थे और एक दूसरों को अपना ऑफेंस बताते थे कि हमसे ये गलती हुई है हमसे ये गलती हुई है तो उसी को उपोस्था बोलते हैं गौतम बुद्ध वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एडमिटिंग वुमेन एज नन्स। तो गौतम बुद्ध जो है मीन्स uh, uh, वुमेन के वुमेन को अपने उसमें ऐड करने के फेवर में नहीं थे uh, एज ए नन्स बट ही डिड सो रिक्वेस्ट ऑफ हिस्स चीफ डिसिपल uh, आनंद लेकिन आनंद के कहने पे जो है वो जो है एडमिट करते हैं वुमन्स को अब देखते हैं बुद्धिस्ट uh, संगीतियों के बारे में तो जो पहला जो बुद्ध की संगीति जो फर्स्ट बुद्ध काउंसिल था वो 483 हंड्रेड एटी में हुआ राजगिरी में ठीक है सतपनी केव्स में हुआ था ये राजगिरी में और महाकश्यप्पा जो थे उस समय प्रेसिडेंट थे और ये हुआ था अजाशत्रु के टाइम पीरियड में जो पहली बुद्ध संगीति है वो महाकश्यप्पा के नेतृत्व में हुआ लेकिन जो रूलर थे वो अजाजशत्रु थे अब देखेंगे दूसरी बौद्ध संगीति जो है वो तीन सौ तीन सौ में होती है थ्री एटी थ्री में वैशाली में और शब कमीर के उस उस टाइम प्रेसिडेंट रहते हैं और जो रूलर होते हैं वो काला अशोक रहते हैं तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो 250 फिफ्टी बी में हुआ पाटलिपुत्र में और मुगलिपुत्र से जो है प्रेसिडेंट हैं और रूलर जो है उस टाइम अशोका रहते हैं जो चौथी बुद्ध संगीति होती है वो फर्स्ट सेंचुरी ए में होती है कुंडलवन जो कश्मीर में है और प्रेसिडेंट उस टाइम वह रहते हैं और रूलर जो हैं वो कनिष्क हैं अब देखते हैं क्या क्या आउटकम हुआ तो फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल मीटिंग होती है तो इट वॉज़ कन्वीन टू कंपाइल धम जो रिलीजियस डॉक्ट्राइंस है और जो विनय मोनस्टिक कोर्ट्स है बुद्धा का तो उनका कंपाइलेशन हुआ और उसके अलावा कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटाक बाय उपाली एंड सुद पिटाक बाय आनंद तो विनय पिटाक का जो कंपाइलेशन है वो उपाली ने किया और सुद पिटाक का जो कंपाइलेशन है वो आनंद ने किया अब सेकंड बुद्ध कौन, बुद्धिश काउंसिल में देखेंगे जो द्वितीय संगीति थी उसमें परमानेंट सिज् ऑफ द बुद्धिस्ट चर्च इन टू एंड महाश संगीकाश तो सत्यविराज और महासंगी जो है बुद्धिस्ट चर्च इस चीज़ हमको देखने को मिलती है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में देखेंगे तो अभिधम पिटाक वॉज कंपाइल्ड बाय मुगली पुत्रस तो अगले अभिधम पिटा जो है कंपाइल किया गया था यहाँ पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में मुगली पुत्रस के द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में द बुद्धि वॉर डिवाइडेड इंटू टू प्रोडसेट्स मीनस अब देखिए चौथी जब मीटिंग होती है बुद्धिस्ट काउंसिल की तो उसमें जो है हीनयान और महायान में जो है बुद्धिज्म जो है डिवाइड हो जाता है ठीक है तो बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ हीनयान और महायान में चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुआ था तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ था कुंडल वन में कश्मीर में और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो वशुमित्र थे और जो रूलर थे वो कनिष्क थे और अब देखते हैं हम कंट्रीब्यूशन ऑफ़ बुद्धिज्म तो बुद्धिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहा तो पाली कैनोनिकल टेक्स्ट बुद्धिस्ट स्लब्चर्स इन पाली देखिए हमें पाली लिटरेचर पाली लैंग्वेज में जो है बुद्धिस्ट स्लब्चर देखने को मिलते हैं ठीक है तो इनको जिनको हम बोलते हैं त्रिप्टिका दैट इज थ्री फोल्ड बास्केट तो पहली बात करेंगे विनय पिटा विनय पिटाका शोध पिटाका और अभिधम पिटाका की तो विनय पिटाका डील करता है विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मॉन्क्स मीन जो भी भिक्षु वगैरह जो हैं उनके लिए क्या नियम कानून होंगे जो बिनन्स वगैरह हैं उनके लिए क्या नियम होंगे एंड अकाउंट ऑफ लाइफ एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा इज़ ऑल्सो किवन तो विनय पिटाका में जो है रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं जो एक भिक्षु को फॉलो करना है या जो भिछुनी है उनको फॉलो करना है उसमें नियम कानून दिए हुए हैं उसके अलावा एक जो बुद्धा की जो टीचिंग वगैरह भी हैं वो भी विनय पिटाका में दी हुई हैं अब बात करते हैं शुद्ध पिटाख की तो शुद्ध पिटाख में इट इट कंसिस्ट ऑफ डिस्कोर्सेस एज़ डिलीवर्ड बाई द बुद्धा हिमसेल्फ ऑन वेरियस ओकेजन तो इसमें जो है बुद्धा के कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि उन्हीं के द्वारा वेरियस ओकेजन पर बोले गए हैं और धम्म उसके अलावा धम्म का जो पद है जो, जो लॉ का जो पाथ है वो दिया गया है कंटेनिंग द समरी ऑफ बुद्धाज यूनिवर्सल टीचिंग तो एक तरह से जो बुद्धा की जो जो शिक्षाएँ थी उसकी एक समरी दी गई है इस रिगार्डिज वन ऑफ द ग्रेट रिलेज टेक्स टू द वर्ल्ड तो एक तरह से ये जो वन ऑफ द ग्रेट रिलेज टेक्स जो है ये माना जाता है पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं अभिधम पिटाका की तो इट कंटेन द फिलोसफी ऑफ़ द बुद्धा टीचिंग तो इसमें जो है बुद्धा के टीचिंग की जो फिलोसफी है वो दी गई है अभिधम पिटाका में और धम्म संगिनी प्रोवाइड्स अ गुड्स इन ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड एथिक्स उसके अलावा जो धम्म संगिनी है इसमें हमें एक बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में जो है वो चीज़ देखने को मिलता है उसके अलावा जो कथावतु है इ्सक्राइब्ड टू मुगली बुद्धिस्ट थ्रूज इनवैल्यूएबल लाइट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी तो इसमें भी हमें बुद्धिस्ट फिलोसफी से रिलेटेड जो है और जानकारियाँ मिलती हैं देखने को कुछ और सेक्ट्स की बात करें तो अजी अजीविकिज्म है जो कि फाउंडेड बाय महाकाली घोष तो जो मखाली घोष रहते हैं इनको द्वारा ये फाउंड किया जाता है जीविकिज्म इट बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ नियति और ये नियति के प्रिंसिपल में बिलीव करती हैं कि नियति होती है विच इज द ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द यूनिवर्स जो कि एक ही एकमात्र एक डिटरमाइनिंग एक फैक्टर है पूरे ब्रह्मांड में उसके बाद बात करते हैं अमोरलिज्म की तो पुराना कश्यप बिलीव इन द डॉक्टाइन ऑफ अक्रिय वर्ड और नॉन एक्शन तो अक्रिय वर्द या नॉन एक्शन में ये बिलीव करते थे ही मेंटेन द मैन डिन नॉट इनकर सिन थ्रू एक्शंस विच वर पॉपुलरली नोन एज बैड मीन्स जो है जो भी कोई पर्सन है वो अपने एक्शंस के द्वारा जो है वो सिन नहीं करता है उसके बाद मेट्रलिज्म की बात करें तो अजीत के श्याम्बलिन वॉज अ सीनियर कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा ये सीनियर कंटेम्प्रे है बुद्धा के अजीत अजीत के श्याम्बलिन इस डॉक्ट्रिन वॉज अ उच्च उच्च दिवेदा ही हेल्ड दैट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ फोर एलिमेंट्स इनके द्वारा कहा गया कि बॉडी जो है वो चार एलिमेंट से मिल बनी हुई है और मृत्यु के बाद भी जो है उसी उसी में जाके शरीर मिल जाता है बात करते हैं इंटरनलिज्म की तो पाकुड़ा कचैयाना डॉक्टर इन ऑल्सो नोन एज साध अकॉर्डिंग टू हिम देर आर सेवन एलिमेंट्स इनके द्वारा ये कहा गया कि सेवन एलिमेंट्स होते हैं जो जो पाकुड़ा कचैयान रहते हैं इनके द्वारा कहा गया कि बॉडी जो है सेवन सात चीज़ों से मिलकर बनी हुई है विच आर नॉट ओनली इम्यूटेबल बट दे डू नॉट इन एनी वे कंट्रीब्यूट टू द प्लेजर ऑफ पेन तो जो है वो कैसे इम्यूटेबल है इसको मीन्स खत्म नहीं किया सकता है और ना तो हमें ये पेन देती है ना ही ये प्लेजर देती है दिस बॉडी इज डिज़ोल्व इन टू द सेवन एलिमेंट्स विच आर इटर्नल और ये बॉडी जो है मृत्यु के बाद जो है इन्हीं सेवन जो एलिमेंट्स से जिसे मिलकर बना हुआ है उसी में डिजोल्व हो जाती है ठीक है जो कि इटर्नल है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता डायग्नोस्टिज्म बात करें तो संजय बेलबुद्ध डॉक्ट्राइन इज नोन एज विवेक पवा और दैट विच डाइवर्ट द माइंड फ्रॉम द राइट ट्रैक मीन्स एग्नोस्टिज्म की बात करूँ तो ये संजय ये कहते हैं कि ये जो है ये मीन्स आपके माइंड को जो है डाइवर्ट करने की बात करता है राइट ट्रैक से कि आप किन चीज़ों की वजह से आपका जो माइंड है वो राइट पाथ से डाइवर्ट हो जाता है अब देखते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं तो देखिए जो पार्श्वनाथ रहते हैं वो तेईसवें जैंत कर रहते हैं ठीक है तो और जो अश्वसेन ये इनके पिता अश्वसेन रहते हैं जो बनारस के राजा रहते हैं तो अश्वसेन के पुत्र हैं पार्श्वनाथ ये जैन के पे तुरंत कर रहते हैं और महावीर जो है वो चौबीसवें तुरंत कर हैं जैन के और महावीर जी के फादर का नाम सिद्धार्थ है और मंद्र का नाम जो है त्रिशला है पहले जो जैन काउंसिल जो मीटिंग थी पहला जो जैन काउंसिल मीटिंग थी वो कहाँ हुआ तो पाटलिपुत्र में हुआ किसके प्रेसिडेंटशिप में तो स्टूलभद्र के प्रसिडेंटशिप में ये हुआ और जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो वल्लाभी में हुई और उस समय जो देवरिधि के प्रेसिडेंट में ये होता है और देखिए तो गौतम बौद्ध गौतम बुद्ध जो हैं वो जैन बुद्धिज्म के जो हैं वो फाउंडर हैं और गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ जो कि अब नेपाल में है और इनके पिता का नाम सुदोधन था उनकी माता का नाम माया था और गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति हुई यहाँ मतलब कि इन्लाइटमेंट कब हुआ तो जब उनकी उम्र थी पैंतीस साल तो पैंतीस साल की उम्र में निर्वाण की इनको प्राप्ति हुई और कहाँ हुआ तो बोधगया में अंडर ए पीपल ट्री नीवर नियर जो है जो निजरा नदी थी उसके किनारे और बुद्ध की मृत्यु अस्सी साल की में, उम्र में हो जाती है चार सौ तिरासी बीसी में एक साल वृक्ष के नीचे जो कि कुशीनगर में है देखें तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल मीटिंग थी वो राजगिरी में हुई दूसरी दु, दु, मीटिंग थी वैशाली में हुई और तीसरी मीटिंग जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई ठीक है और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल मीटिंग थी वो कश्मीर में हुआ था कुंतलवल में तो बाकी जो ये तीन मीटिंग्स हुई हैं बिहार में ही हैं लेकिन जो चौथी मीटिंग है वो कश्मीर में को देखने को मिलती है द सर्मस ऑफ बुद्धा फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वर नोन टू सुत्त तो जो भी बुद्धा के द्वारा तो जो शर्मन दिया का जो उपदेश दिया गया उसको हम सुत्त बोलते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग